वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड हिंदी सुगम भारती यानी कि क्लास कक्षा तीसरी की आज बुक है हमारी हिंदी सुगम भारती का। आज हम चैप्टर 17 यानी कि 17 चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए अब हम चैप्टर 17 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे चैप्टर का नाम दिया गया है मैं भी अगर पेड़ बन जाऊँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैं भी अगर पेड़ बन जाऊँ। तो आइए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए बच्चा सोच रहा है पेड़ के बारे में, ठीक है। तो आइए अब हम इसे शुरू करते हैं। हरा भरा फल फूलों वाला मैं भी सुंदर पेड़ बनूंगा। बच्चा कह रहा है कि हरा भरा फल फूलों वाला मैं भी सुंदर पेड़ बनूंगा, अपनी बल पर अपने बूते पर आसमान की ओर बढ़ूंगा। मतलब अपने बल अपने बूते पर वहाँ आसमान की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठंडी मीठी अपनी छाया, कह रहा है कि ठंडी मीठी अपनी छाया बड़े प्यार से सबको दूंगा। कोई मीठे फल खाए तो अहभाग्य अपना समझूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम थके पथिक जो थका पथिक रहता है ना, थके पथिक को बड़े प्रेम से हंसकर अपने पास बुलाऊं। जो थके पथिक रहेंगे यानी कि राही जो थका रहता है वो हंसकर अपने पास प्रेम से उसे बुलाने की बात कर रहा है। कोई मेरा गुण गाए तो मन में स्वर धन्य हो जाऊं। मतलब कोई अगर मेरा गुण गाए तो खुद ही मन स्वयं यानी कि खुद ही अपने मन में ही स्वयं धन्य हो जाऊं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे नए शब्द। पथिक, पथिक यानी कि होता है राही, ठीक है। भाग्य यानी कि किस्मत, स्वयं यानी कि खुद, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर शुद्ध उच्चारण करना है। आप देख सकते हैं ठंडी स्वयं पथिक पेड़ बल हंसकर धन्य अहभाग्य, इसका हमें शुद्ध उच्चारण करना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पढ़िए समझिए और लिखना है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पहले हमें पढ़ना है, फिर समझना है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर लिखना है, तो ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है भाग्य, और यहाँ देखेंगे भाग्य को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर लिखा गया है। जैसे कि भा प्लस ग प्लस य भाग्य। तो देखेंगे रा देखेंगे किस तरीके, ये मतलब जो आधा रहता है ना ग, यहाँ पर आधा ग, तो आधा ग को किस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। और फिर हमें अलग अलग करके यहाँ पर पूरा मिलाना है भाग्य। इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से लिखना है। देखेंगे ध प्लस, फिर आधा ना के लिए हम ऐसा करेंगे इस तरीके से जैसे यहाँ बनाए प्लस य धन्य, और फिर हम यहाँ पर बराबर लिख देंगे, ठीक है। जो इधर वाले डैश से यहाँ पर बराबर करना है और यहाँ पर हमें अलग अलग करना है, ठीक है। हमारा पूरा मिलना नहीं चाहिए, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मेरा मिल गया। आइए मैं एक और बता देती हूँ आपको। अन्य यानी कि अ प्लस, फिर अधन ना बनाएंगे प्लस य अन्य, फिर हम यहाँ लिखेंगे टोटल अन्य। इस तरीके से आपको प्यार और योग्य, इसका भी आपको इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और उसको लिखना भी बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। आप यहाँ देखेंगे, बस देखे देखे ही हमें समझो लिखना है। अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब यहाँ पर जो कविता की पंक्तियाँ दी गई है वो हमें यहाँ पर पूरी करनी है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे हमारी कौन सी पंक्तियाँ दी गई है जो हमें पूरी करनी है। यहाँ देखेंगे हरा भरा फल फूलों वाला, इसके बाद आपने देखेंगे हमने फर्स्ट में ही लाइन पढ़ी थी हरा भरा फल फूलों वाला मैं भी सुंदर पेड़ बनूंगा, अपने बल अपने बूतों पर। और इसके बाद वाली लाइन में आपको बताऊंगी जो इसकी पूरी लाइन है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको है ना टिक लगवा देती हूँ, ताकि जो मैं आपको टिक लगवाऊंगी वो आपको यहाँ पर डैश डैश में लिखना है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगी तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ, इसका टिक भी आसानी से लगा देती हूँ। यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ वहाँ पर दिया गया था हरा भरा फल फूलों वाला। अगर मैं जिस पे इस लाइन बना रही हूँ एक साथ में, वो आपको नहीं लिखना है, और जिस पे मैं लाइन नहीं बनाऊँगी वही आपको वहाँ डैशलेस दिया गया है वहाँ लिखना। मैं भी सुंदर पेड़ बनूंगा, तो यहाँ देखेंगे डैशलेस दिया गया है, वहाँ पर डैशलेस में हमें ये लाइन लिखनी है, ठीक है। मैं डैश लगा रही हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अपने बल अपने बूते पर, अपने बल अपने बूते पर ये लाइन हमको नहीं लिखनी है क्योंकि ये वहाँ दी गई है। और यहाँ आसमान की ओर बढ़ूंगा,
तो यहाँ पर मैं डैश डैश लगा देती हूँ, ये लाइन आपको वहाँ डैश डैश में लिखनी है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बताइए। अब यहाँ पर हमें बताना पेड़ जैसा कौन बनना चाहता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि पेड़ जैसा कौन बनना चाहता है, तो आप बताइए कि आप पेड़ जैसा, मतलब कौन कौन पेड़ जैसा बनना चाहता है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं जो पेड़ जैसा बनना चाहते हैं, तो आप बताइए हमें कि कैसा बनना चाहते हैं, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। और यहाँ पर हमें बताना है कि पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, फल फूल ठंडी छाया सारी, मतलब बहुत सी चीज़ें वो आपको बताना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लिखिए। अब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि पहले हमें बताना था, अब हमें यहाँ पर लिखना है। तो वहाँ पर तो सिर्फ हमें ओरल पूछा गया था, इनकी बताना था, अब यहाँ पर हमें लिखना है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पेड़ पथिक को कैसी छाया देता है, यहाँ पूछ रहा है पथिक यानी कि राहिब, पेड़ पथिक को कैसी छाया देता है। तो यहाँ पर बताना है कि हमें पेड़ पथिक को कैसी छाया देता है। तो आइए आप इसे फर्स्ट लिख लीजिए, सेकेंड और थर्ड, तीन करके मैं आपको ये टिक लगवाऊंगी ताकि आपको लिखने में, आंसर लिखने में आसानी हो। तो आइए इसके टिक भी लगवा देती हूँ मैं आपको, फर्स्ट का टिक लगवाऊंगी मैं आपको। यहाँ देखेंगे कि आपकी ठंडी मीठी अपनी छाया बड़े प्यार से सबको दूंगा, यह है हमारा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से फर्स्ट लिख लीजिए और फिर आपकी कॉपी में लिख लीजिए आप, ठीक है, इसके आंसर, ठीक है, फर्स्ट का हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर जाएंगे। अब फर्स्ट तो हमारा हो गया कंप्लीट, अब हम देखेंगे सेकेंड, कोई 5 फलदार पेड़ों के नाम लिखिए। तो हमें कोई 5 फलदार पेड़ों के नाम बताना है जो फल देते हैं, बताइए कोई 5 फलदार पेड़ों के नाम बताना है, ठीक है। तो आपको सभी पेड़ों के नाम बताना है कि कौन कौन से फल देते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर कि कोई 5 पेड़ों के नाम लिखिए, यहाँ हमसे पूछा गया कि जो फल देते हैं फलदार पेड़ों के नाम लिखना है। तो यह बहुत सरल है, ये आप खुद भी बता सकते हो और ये बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 5 फलदार जो फल देते हैं वाले पेड़ों के नाम हमें यहाँ पर लिखना है। ये आपको क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पर आपको वो नाम लिख देना है, ठीक है, और ये आसान है, आप आराम से कर सकते हो। थर्ड वाला देखें, कोई 5 फूल वाले पौधों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर यह भी बहुत सरल है, आपको इसके भी बताएं कि यह भी बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं कोई 5 फूल वाले पौधों के नाम बताना है। जैसे कि फल का कैसे है मैंने आपको दिया, उसी तरीके से फूलों के नाम भी आपको पता होंगे जो आप खुद लिख सकते हैं, और ये बहुत आसान भी है। जैसे कि एक बार और मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हुए कि आपको है ना, जैसे कि आम का पेड़, ठीक है, इस तरीके से आपको ये सिर्फ 2 क्वेश्चन है और ये बहुत आसान है जो आप खुद कर सकते हैं। फूलों वाले पौधों के नाम बताना है, जो फलदार पेड़ है उनके नाम हमें बताना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, सही शब्द के सामने सही और गलत शब्द के सामने गलत का निशान लगा। अब यहाँ पर हमें सही शब्द के सामने सही लगाना और गलत शब्द के सामने गलत निशान, जैसे कि किसी। अब देखिए यहाँ पर मात्रा गलत लगी हुई है, तो यहाँ पर गलत है, ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए फिर करना है। अब देखेंगे पथिक, तो यहाँ पर देखेंगे हमारी ये सही पथिक है, कौन सा पथिक सही है कौन सा गलत, तो यहाँ देखेंगे इसका सही होगा और यहाँ गलत होगा। ठंडी, तो देखेंगे ठंडी, यहाँ ठंडी गलत है और यहाँ ठंडी सही है, ठीक है। अब बच्चा है कभी कभी, तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, क्योंकि सभी मैं बता दूंगी तो आप कैसे सकेंगे यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए और लिखने, पहले हमें पढ़ना है फिर लिखना है। जैसे एग्जांपल दिया गया समझूंगा, और यहाँ दिया गया कि समझूंगी, इस तरीके से हमें लिखना है यहाँ लिखा बढ़ूंगा, तो यहाँ लिखना है हमें बढ़ूंगी, ठीक है, इस तरीके से ये लिखना है हमें, जो मैं आपको आसान तरीके से बता देती हूँ, बस यहाँ पर ई की मात्रा लगानी है सब में। दौड़ूंगा तो दौड़ूंगी, लाऊंगा तो लाऊंगी, जाऊंगा तो जाऊंगी, बस ई की मात्रा हमें यहाँ पर लगानी है, ठीक है, इतना ही करना है इसमें, और यह बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्णों में मात्राएं इस प्रकार लगाइए कि फलों के नाम बने, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से मात्रा लगानी है ताकि फलों के नाम बने, जैसे कि आम, पपत तो पपीता, लीची, खरबूजा, ये यहाँ पे ऊ की मात्रा लगेगी,
ठीक है, खरबूजा। अब यहाँ देखेंगे सेब, अब यहाँ देखेंगे ये आपको बताना चक, कल, अनार। तो आपको यहाँ पर बताना कि कौन से फल बनेंगे, ठीक है, सभी मैं नहीं बताऊँगी। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शब्द बनाइए। अब यहाँ पर हमें शब्द बनाना, और यहाँ भी बहुत आसान, प है और ये ड को मिला के हमें पढ़, फिर हम लेंगे बा, तो ठीक है पहले बा यहाँ आ गया और फिर ड ले लिया, तो यहाँ बन जाएगा बड़। चा लिया हमने, चा यहाँ से डाल लेते हुए चढ़, बस इसी तरीके से बा में बा ड बाढ़, इस तरीके से यहाँ पर भी हमें लिख देना है बाढ़, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसी तरीके से यह भी है पेड़, तो यहाँ लिखेंगे पे, इस तरीके से हमें यहाँ पर लेना है पेड़, ठीक है। च जड़, तो यहाँ लिखेंगे हम जड़, ठीक है। बाकी आप ये भी कर लीजिए, यह बहुत आसान है। अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे श्रुतलेख। अब हम यहाँ देखेंगे श्रुतलेख। पेड़ को वृक्ष और तरु भी कहते हैं, तो पेड़ को यहाँ पर वृक्ष और तरु भी कहते हैं। आसमान को नभ और गगन भी कहते हैं, यह चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आसमान और गगन कुछ भी आ जाए दोनों चीज़ एक ही मानी जाती है। फूलों को सुमन और पुष्प भी कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 1। कविता याद कीजिए और कक्षा में सुनाइए। अब हमें यहाँ कविता याद करनी है और अपनी कक्षा में सुनानी, तो आप यह कविता याद कर लीजिए। खड़ा हुआ है एक किनारे, खड़ा हुआ है एक किनारे, शीतल छाया वाला पेड़, कड़ी धूप में भी मुस्काता ऐसा है मतवाला पेड़, ठीक है। पेड़ के ऊपर यहाँ कविता दी गई है। केवल अपने लिए न जीना यह हमको बतलाता है, पेड़ बतलाता है कि केवल अपने लिए न जीना यह हमको बतलाता है। थोड़ा सुख औरों को देना यह हमको सिखलाता है, ठीक है। ये इतना है हमारा, कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पेड़ अलग अलग आकार के होते हैं, कोई बरगद जैसा फैला हुआ, ठीक है। देखेंगे आप पूरा यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, ताकि तो पेड़ अलग अलग आकार के होते हैं, कोई बरगद जैसा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखिए, आपको उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं उनके चित्र बनाइए, ठीक है। कौन कौन से आकार आपको पेड़ों में दिखाई देते हैं आपके आसपास देखना, और यहाँ पर आपको उसके चित्र बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपको ऐसा आकार वाला पेड़ दिखा तो ऐसा, नारियल के आकार वाला दिखा तो नारियल के आकार वाला पेड़ बनाना है, जैसा आपको दिखे वो आपको देखना है और चित्र बनाना है। तो बच्चों आज हमारा क्लास 3 हिंदी सुगम भारती का चैप्टर 17 भी आज कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।